अलवर आबकारी थाना पुलिस ने रविवार को डीएसपी कुलभूषण मिश्रा के नेतृत्व में घटला की पहाड़ी में अवैध रूप से संचालित हो रही शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। आबकारी पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में शराब बनाने के काम में ली जा रही स्प्रिट शराब की खाली बोतलें, पौवे के भारी मात्रा में ढक्कन सहित करीब 6 मशीन और खाली कार्टून मौके से जब्त किए हैं। लेकिन पुलिस को देख शराब फैक्ट्री में कार्य करने वाले आरोपी मौके से फरार हो गए। ये कार्रवाई आबकारी थाना पुलिस ने सुबह 4 बजे शुरू की, करीब 4 से 5 घंटे तक चलती रही। आबकारी पुलिस ने भारी पुलिस जाब्ते के साथ अवैध रूप से संचालित शराब फैक्ट्री पर दबिश दी थी। आबकारी डीएसपी कुलभूषण मिश्रा ने बताया कि काफी दिनों से मुखबिर की सूचना मिल रही थी कि घाटला की पहाड़ी पर अवैध रूप से शराब की फैक्ट्री संचालित हो रही है और भारी मात्रा में शराब बनाई जा रही है, जिस पर आबकारी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फैक्ट्री को चिन्हित किया। रविवार को सुबह 4 बजे आबकारी डीएसपी कुलभूषण मिश्रा के नेतृत्व में पूरे जिले की आबकारी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फैक्ट्री पर दबिश दी, लेकिन पुलिस को देख मौके से आरोपी फैक्ट्री छोड़कर फरार हो गए। उसके बाद पुलिस ने फैक्ट्री में लगी अवैध शराब बनाने वाली मशीनों, भारी मात्रा में शराब बनाने के काम में ली जा रही स्प्रिट सहित अन्य सामग्री भी बरामद की है। पुलिस ने फैक्ट्री संचालक के खिलाफ आबकारी एक्ट में मामला दर्ज कर अन्य आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। गौरतलब है कि अलवर जिले में अवैध रूप से शराब बनाने का काम बेखौफ से चल रहा था, लेकिन जहरीली शराब बनाने वाले लोगों के अंदर पुलिस का खौफ नहीं है। पुलिस भी समय समय पर अवैध रूप से शराब बनाने वाले आरोपियों को शराब के साथ गिरफ्तार करती है, लेकिन लोग जेल से छूटने के बाद फिर दोबारा से इसी काम में लग जाते हैं। अवैध हथगढ़ शराब बनाना, लोगों को कम दामों में जहरीली शराब पीने के लिए परोसते हैं। राजस्थान में जहरीली शराब पीने से काफी लोगों की मौत भी हो चुकी है, लेकिन फिर भी अवैध रूप से शराब बनाने वाले और बेचने वाले आरोपी बेखौफ होकर शराब का कारोबार कर रहे हैं। क्या पूरी कार्रवाई रही है और कितना मटेरियल इसमें मिला है, किस किस तरह का मटेरियल मिला है? देखो, मटेरियल जो है इसमें, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो जो आपको पैकिंग मशीन दिख रही है वो 6 हैं और कम से कम जरीकन हैं वो करीबन 50 हैं, बड़े बड़े जरीकन करीबन 3 या 4 हैं। तो इससे ही हम नतीजा निकाल सकते हैं कि भाई कितनी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। एक ही जगह पे इतना सब कुछ और बहुत ही डिफ़िकल्ट जियोग्राफी, और बहुत दिन से ये धंधा चल रहा था, और आप देखिए कि लेबल और इनके ढक्कन और इनके पवा की बॉटल्स वगैरह काफ़ी बहुत ज़्यादा हैं। ये इसमें अभी एक तो ओल्ड मोंग जो रम आते हैं अंग्रेजी ब्रांडेड शराब, और ये जो हमारी जो देसी शराब आती है वो, अब इसमें जैसे ये मोटा एक करके ब्रांड है और रसीला करके ब्रांड है। शराब दुकानों तक भी पहुँच रही थी किसी? अब वो इसकी इन्फॉर्मेशन जो है हमें मुखबिर से पहले थी, लेकिन इसकी जो कन्फर्मेशन होगी जब वो मुलजिम गिरफ्तार होगा उसके ऊपर पूरी तफ्तीश की जा रही है, तब हम उसकी और आपको इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे। तो आज की इस कार्रवाई के बाद कितना बड़ा विराम आबकारी पुलिस ने? हाँ, बहुत सिग्निफिकेंट विराम लगना चाहिए, और ऐसी कार्रवाई होती है तो इवन मैसेज भी जाता है कि हाँ हमारा विभाग जो है हालांकि हमेशा सचेत रहता है, लेकिन फिर और भी एक एक्टिवनेस आती है और लोगों को लगता है कि यस मतलब कोई चैनल है जहाँ पे। कितने इसमें आदमी अपन ने अभी चिन्हित कर पाए हैं जिनको उसमें मुलजिम? चिन्हित जो हैं हमारे अभी मुख्य जो हैं वो 2 हुए हैं, लेकिन अभी उसके बारे में आगे हम मतलब अभी कंफर्म जो हैं वो तफ्तीश करने के बाद में ही कर पाएंगे।